पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दौऱ्यात मुंबई हल्ल्यात बचावलेल्या मोर्चेलाही भेटणार आहेत. तसंच नरिमन हाऊसच्या दुसऱ्या मजल्यावर धाव घेऊन त्याला वाचवणारी भारतीय आया देखील आता इस्रायलमध्येच राहते. पंतप्रधान तिचीही आवर्जून भेट घेणार आहेत. त्यानिमित्तानं 26/11 मुंबई हल्ल्याच्या आठवणी पुन्हा एकदा जाग्या होणं स्वाभाविक आहे. झी मीडियाचे प्रतिनिधी अंकुर त्यागी यांनी छावड सेंटर उर्फ नरिमन हाऊसला भेट देऊन 8 वर्षांनंतर तिथली परिस्थिती काय याचा आढावा घेतला. हल्ल्यानंतर नरिमन हाऊसमध्ये पोहोचणारी झी 24 तास ही पहिलीच मराठी वाहिनी ठरली. पाहूयात अंकुर त्यागी यांचा हा एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट. आज तक इतिहास में यह पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो पहली बार इसराइल की यात्रा पर जा रहे हैं. उस इसराइल की यात्रा कई मायनों में भारत के लिए अहमियत रखती है, खासतौर पर मुंबई जहां पे 26/11 का हमला हुआ था साल 2008 में. हम आपको उसी छावड़ सेंटर यानी नरिमन हाउस में ले आए हैं आपको वो दिखाने के लिए कि क्या हुआ था उस रात और आज के मायनों में वो दौर किस तरह से जुड़ा हुआ है. हम आपको छावड़ हाउस, छावड़ सेंटर यानी नरिमन हाउस के सबसे पहले सबसे ऊपर का जो माला है 5th फ्लोर पे लेके आए हैं. और ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये बहुत खास है, बहुत अहम है. ये उस वक्त जो 2 साल का बच्चा मोशी जो अपनी नैनी के साथ बच निकलने में कामयाब हुआ था उसका ये कमरा था. और उस रात मोशी अपने इस कमरे में सो रहा था. मैं बात बिल्कुल जो हमला हुआ था उस रात को मोशे अपने इसी कमरे में सो रहा था. और ये जो साइन आप देख रहे हैं ये साइन मोशे की जो माँ थी उन्होंने ये इसमें बेसिकली अल्फाबेट्स हैं जो उनकी जो इज़राइल की जो लैंग्वेज है उसमें इसको बनाया गया है ताकि मोशे इनको देखकर सीख सके. इसमें चित्रों के जरिए अलग अलग रंगों के जरिए यहाँ पे दर्शाया गया है. और ये जो नाम आप देख रहे हैं हिबूबी में मोशे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. इस कमरे को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. ये सबसे ज्यादा डैमेज इस कमरे में हुआ था. जो आतंकवादी थे वो इसी कमरे में आखिरी जो वक्त था वो यहीं पर छिपे हुए थे. और सामने वाली जो बिल्डिंग है इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है वहां से जो एनएसजी है उसने अपनी पोजीशन ले रखी थी. एक रॉकेट लॉन्चर वहां से फायर किया जाता है जो दीवार जो इस खिड़की की दीवार जो है उसको तोड़ता हुआ ठीक इस फ्लोर के अंदर घुस जाता है. और आप जो डैमेज देख रहे हैं वो लगभग उसी से हुआ है. और जो रॉकेट लॉन्चर है ये ठीक जो सामने वाली दीवार इस वक्त आप देख रहे हैं जो इतना बड़ा होल इस वक्त इस दीवार के अंदर है ये वही होल है जो उस आरपीजी का जो रॉकेट लॉन्चर था जिसको अटैक किया फायर किया गया था उससे बना था. उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं. गोलियों के निशान आज भी इस दीवार पर हैं. उन छरों के निशान आज भी इस दीवार पर हैं. ये दीवारें उस वक्त की कहानी बयां कर रही हैं जब 26/11 का सबसे भयानक हादसा भारतीय इतिहास का आतंकवादी हमला या यूं कहा जाए कि दुनिया के आतंकवादी हमलों में सबसे बड़े हमले और सबसे बुरे हमलों में से एक हमला उसका गवाह ये दीवारें हैं. ये वो फ्लोर है. यहाँ की हर एक चीज आज भी बयां करने की कोशिश की जा रही है. और अब इसको एक म्यूजियम में तब्दील किया कर दिया जाएगा कुछ वक्त के बाद ताकि लोग यहां आ सकें, दुनिया भर से लोग यहां आ सकें, वो सीख सकें, समझ सकें कि उस रात को क्या हुआ था और हमने उस हादसे के बाद क्या सबक लिया था. कैमरा पर्सन पंकज के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.